ये मुझे एक बात बताना चाहती हैं, हाँ, कि दृष्टि के कम से कम 200 मीटर लगे हुए हैं बेसमेंट में, अगर उनमें आग लग जाए तो आप सोच लीजिए, मेंटरशिप में कम से कम 500 बच्चा बैठता है जिसका एक ही रास्ता है निकलने का। दृष्टि में भी एक ही रास्ता है, हर जगह, एवरी जगह, जहाँ भी क्लास होते हैं सब एक ही रास्ता है। आप लोग तो सब UPSC की तैयारी करते हो लगभग बच्चे, तो ये तो होता नियम होता है ना कि आप दो दरवाजे बनाओगे किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग या फिर किसी भी बिल्डिंग में आप दो दरवाजे बनाओगे? बिल्कुल, ये तो हर जगह का रूल है। तो आप लोग मन से क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप क्यों नहीं बना? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने भी आप कॉलेजों में जाएंगे, हर जगह दो दो तीन तीन रास्ते बने हुए हैं, तीन तीन चार चार। मैं खुद DU की स्टूडेंट हूँ, मैं कई सारे एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे, मैं वहीं की स्टूडेंट हूँ प्रॉपर। और बाकी हर एक जैसे जैसे उनका क्लास बेसमेंट में डिजाइन की गई, मेंटरशिप का अलग, क्लास का अलग, यहाँ के ये अलग, लाइब्रेरी का अलग। ये कह रही है 800 मीटर ग्राउंड फ्लोर पे? नहीं नहीं, है लंबा चौड़ा सब चीजें, सबका अलग अलग एग्जिट पॉइंट, एंट्री है। दृष्टि में सेफ्टी है? सेफ्टी के मामले में थोड़ा वहाँ पे मान सकते हैं कि है, थोड़ा है चीजें हैं वहाँ पे। सर के जो वहाँ पे वो लोग बनवाए हैं बेसमेंट में, एग्जिट पॉइंट प्रॉपर दिया गया है कई सारे, एक नहीं मान सकते। अगर वहाँ पे ऐसी घटना होती, दो तीन चार से पांच के आसपास एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे, किसी को ऐसे भी ब्लेम नहीं लगा सकते कि मतलब एग्जिट पॉइंट एक है वहाँ पे, सीढ़ी है वहाँ। मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए, तीन सीढ़ियाँ हैं, तीन से चार। ये पूछ रही है मेंटरशिप में, मेंटरशिप का बताइए। नहीं नहीं, मेंटरशिप का, हाँ मेंटरशिप का चीजें हैं वो एक साइड से, मेंटरशिप की बात कर रही थी। इन्होंने मेंटरशिप की बात की। भैया आप लोग क्या हो ना, आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों का स्वर एक जैसा नहीं होगा ना, तब आप लोगों के ऊपर ही होगा। पूरा बेसमेंट का बता रहे, स्वर अगर एक आपका नहीं होगा, अगर आप अलग अलग धुन में गाओगे तो आप लोगों के साथ यही होगा जो संस्कृति IAS में हुआ है। मैंने सब बेसमेंट को लेकर इंक्लूड किया। बताइए कि आप नहीं जानते, आप ये बताइए कि आपको नहीं पता कि वर्धमान मॉल को नोटिस है? नहीं सबको पता है, हम आपकी बातों को सम्मान रहे हैं, हम सारा खाली करने का नोटिस है, खाली करने। इनको क्या दृष्टि से कोई लेना देना? इनको नहीं, नहीं किसी को कुछ नहीं लेना देना, सब अपना काम लेने पड़ने। सेफ्टी पे बोल रही है ना, बच्चों के सेफ्टी पे, बच्चों बोलेंगे हम आप इनके, हाँ, बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बिल्कुल जाहिर से बातें बोलेंगे। करजी नगर की कैसी स्थिति है सेफ्टी के मामले में, कोचिंग्स की मैं पूछूं? भ्रष्ट है, सीधी सी बात है, सिंपल से लैंग्वेज में गए, भ्रष्ट है, सीधी सी बात है। यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख बच्चे पैसे दे के आ रहे हैं, हम लोग रूम में रह रहे हैं, आधा पैसा तो हम लोगों के रूम रेंट में चला जाता है। सेफ्टी के मामले में क्या है, रूम रेंट में कुछ नहीं है। जाकर के आप प्रॉपर जाकर रूम इन्वेस्टिगेशन करिए, बच्चों का कोई मना नहीं करेगा, सब दिखाएगा उनकी, देखिए क्या स्थिति है, कैसे रह रहे हैं उस स्थिति में। और मकान मालिक पैसा हर एक चीज़ का ले रहा है वहाँ पे, आज के दिन में कोई चीज़ अगर खराब होती है बच्चे पेमेंट करके लगवाते हैं अपने पैसे। मेरे मन में ये सवाल आया है, जैसे कि आप ऑनलाइन बहुत चल गया है, डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया, भारत डिजिटल हो, तो क्या IAS की तैयारी घर पे बैठकर नहीं हो सकती? नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं हो सकती है, बिना कोचिंग के भी लोग करके क्वालिफाई कर रहे हैं, घर पे भी हो सकती है। लोगों का धंधा कब बंद करिएगा आप लोग नौजवान? बिल्कुल, और मैं तो ये भी कहती हूँ, आप 99% अगर उठा के देखोगे तो ज्यादातर रिजल्ट सबके सेल्फ स्टडी से ही निकल रहे हैं, कोचिंग स्टडी से ही निकल रहे हैं। देख लो मैम, कैंपस से सीधा करा और सीधा फर्स्ट रैंक लाई है, बच्चे सब बता सकते हैं। जो बच्चे अगर मान लो ये देख रहे हैं, और 3 साल इन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी फिर सेल्फ स्टडी, ऐसा ही बोल रही है? जी सब सेल्फ स्टडी से अगर कोई नहीं करेगा, सेल्फ मेहनत नहीं करेगा, कुछ होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। मैम ये हो ये रहा है, डायरेक्शन दिखाया आप लोग मेरे ख्याल से सब बाहर से होंगे, उत्तर प्रदेश बिहार सब बाहर से, सब अलग से। बात ये हो रही है, इस सोशल मीडिया के दौर में ये 15 सेकंड की जो रील्स होती है ना, जैसे विकास सर हो गए, चाहे ये संस्कृति है इसके डायरेक्टर, इनके 15-15 मिनट के रील्स होते हैं, 12-15 सेकंड के रील्स होते हैं, और वो 12th पास बच्चे, उनको सपना दिखाया जाता है कि सोचना है तो बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो कुछ कर पाओगे। विकास सर का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि अगर आप UPSC की तैयारी कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि जीवन में आप कुछ अच्छा कर जाओगे। क्या अच्छा कर जाओगे, आप गारंटी लोगे अच्छा करने की? आप 2.5 लाख रुपया फी ले रहे हो, पिछले साल 1,96,000 रुपया फी था आपका, वैसा क्या बदलाव आ गया इंडियन इकोनॉमी में जो कि आपको बस एक साल के अंदर आपको 50,000-60,000 रुपया फी बढ़ानी पड़ गई, 3 लाख? क्या लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति हो गए या फिर खान सर, तो चलो यहीं पे पढ़ाते हैं, खान सर कहाँ पढ़ाते हैं? पटना में पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रचलित वो हैं, क्या वो इस मुद्दे पे बोलेंगे? मैं बताता हूँ, मैं खुद बिहार पटने से आता हूँ, पटना में आप खान सर की क्लास ऑफलाइन जाके देखो, 2,000 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, आप अगर कोई होंगे बिहार को तो देखे होंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2,000 बच्चों का एक बैच चलता है, और वो 3 मंजिले पे चलते हैं, वहाँ भी अगर कभी आग लगे तो इम्पॉसिबल है उतरना,
है ना, वो अभी सीढ़ी ये वाली नहीं है कि आप पैक बाहर जो है ना बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है खान सर के भी क्लास में। और ये जो भी है विकास सर हो, अब मुझे सर कहने में बहुत ही शर्म आ रही है, ये बिजनेसमैन है, विकास बिजनेसमैन, इन्हें सर नहीं कह सकते हम, है ना। अगर ये सर होते तो ये इतने तालियां बज रही है भैया, है ना। मैं इन्हें मेरे स्टेटस पे आज तक विकास सर का डीपी लगा रखा था, मैं बहुत इंस्पायर था। इन्होंने कहा था कि बेटा जी, इन्होंने इनकी वीडियो देख के मैं दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम, कि हाँ कि आप ना जीवन में ठीक है हर चीज़ करो, पढ़ाई करो, लेकिन जीवन में आप एक बार यूपीएससी की तैयारी करो। तो मैं भी प्रभावित हो गया, भाई कोई इंसान इतने लेवल पे है अगर वो बोल रहा है, हाँ हो जाते हैं इमोशनल में बह जाते हैं थोड़े, तो इनकी बातों में मैं बह गया तो आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया और जब देखा कि ये टीचर 2019 में इन्होंने हिंदी ऑप्शनल पढ़ाया है और उनको वीडियो को 50,000 में बेच रहे हैं, उन्हीं का वीडियो, आप वीडियो लेक्चर 50,000 में बेच रहे हो, किस लॉजिक से, कोई लॉजिक है? आप वीडियो लेक्चर 50,000 में बेच रहे हो तो इनको तो धंधाबाजी कहना चाहिए, इनको सर का टाइटल देना ही बेकार है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बच्चों के साथ, सर को भगवान मान रहे हैं। आज बहुत सारे लोग विकास सर की बुराई करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हो भाई? विकास सर क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी निजी खुंदक है क्या? अरे भाई मैं उनको गुरु मानता था, अब इतनी बड़ी मुद्दा हुई, उनको पेरेंट्स मानता था, है ना, कि उनका फैन थी अभी। हाँ, मैं भी फैन थी, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि दिव्य कीर्ति सर को, जब 4 सालों में आज तक उन्होंने नहीं सोचा, अगर भूकंप आ जाए ना, अभी 5-6 भी भूकंप आ जाए ना, तो वर्धमान मॉल नहीं बचेगा। मैम यूपीएससी में एक पेपर फोर्थ होता है एथिक्स पेपर, विकास सर एथिक्स पेपर पढ़ाते हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल एथिक्स पढ़ाते हैं, रियल लाइफ में वो एथिक्स है ही नहीं। अगर एथिक्स होता तो वो 4 साल पहले जिस बिल्डिंग पे आ चुका है वो कब का खाली कर चुके होते, है ना। तो अगर वो एथिक्स पढ़ा भी रहे हैं तो कोई एथिक्स नहीं है, वो बेकार का एथिक्स है, वो सिर्फ क्या कहते हो, हवाबाजी है उनकी, वो टीचर नहीं है। ये आपको विकास दिव्य कीर्ति, जिनके बारे में आपको बहुत सारे रील्स जो हैं वो YouTube, Facebook, Instagram हर जगह आपको वो मोटिवेशन देते हुए मिल जाएंगे। मैंने चूंकि UPSC का प्रिपरेशन नहीं किया है, ना ही मेरी कोई इच्छा है प्रिपरेशन करने की, लेकिन ये देखिए कितने सारे बच्चे हैं, ये तो बस एक, अब ये कहिए सागर में बूंद बराबर बच्चे हैं, पूरा का पूरा महासागर यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने, और उनके सपनों पर जो है वो पूरे के पूरे आप ये कहिए आग लगा दिया जाता है, जैसे आज संस्कृति IAS में हुआ है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो आपसे इंस्पायर होते हैं, जो आपकी बातें सुन करके बिहार से चल के, इतनी दूर से चल करके यहाँ दिल्ली में, कितना खर्चा लग जाता है भैया आपका? 10,000 रुपया महीना। महीना? और कहाँ, घर से आता है? हाँ, घर से ही देते हैं। घर से आते हैं और पेरेंट्स का वेल टू डू है? नहीं, पेरेंट्स वेल टू डू नहीं है, फार्मर है मेरे फादर्स और होम हाउस मेकर है। रियलिटी बताती हूँ मैं, लॉकडाउन जब लगा था ना, तो जो रूम 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में दिए थे, आज उन रूम का रेंट है 11-11 हज़ार रुपए। हर साल बच्चा 1.5-1.5 लाख रुपए रेंट देता है, 2.5 लाख रुपए कोचिंग में फीस देता है, सिक्योरिटी के नाम पे ज़ीरो। सिक्योरिटी के नाम पे ज़ीरो, मतलब जो माँ बाप पेट काट करके बच्चों को यहाँ पढ़ाने भेजते हैं उन बच्चों की ये वो है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो IAS बनने का सपना देख रहे होंगे, तो उसको आप क्या हिदायत देना चाहो? मैं यही देना चाहूँगा कि आप जो है 12th पास जब करते हो तो बचकानी हरकत मत करो कि आप किसी टीचर्स के 15 सेकंड रील्स के देख के, है ना, वो जावेद अख्तर की एक शायरी है जो कि विकास सर बहुत बार कोट करते हैं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, वो जावेद अख्तर साहब की लाइन है, है ना। तो आप उनकी छोटी छोटी शायरी पोएम में कभी बकावे में मत आओ, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि हाँ मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। इन टीचरों के बहकावे में मत आओ, ये आपके लाइफ के गारंटी नहीं लेने जा रहे हैं। इनका सबसे उदाहरण आज देख सकते हो, आज कोई भी टीचर, इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई भी टीचर ने किसी ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया, और मुझे बहुत आशा थी विकास दिव्य कीर्ति से कि भाई वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस देश का, बहुत ही सेंसिबल इंसान बनता फिरता है, हर जगह जा जाके इंटरव्यू देता है, हाँ कि मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ, कहाँ है, ना ट्वीट है ना कुछ है, कहाँ गई उनकी सेंसिबिलिटी? वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है ही नहीं, हर तरीके से वो फेल हो चुके हैं, उनको बाहर छोड़ रहे हैं मुखर्जी नगर। मैं तो मुखर्जी नगर अगले महीने छोड़ दूंगा, मैं नोएडा शिफ्ट होने जा रहा हूँ। हाँ, सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं? मैं अभी सेल्फ स्टडी करता हूँ, मैं ड्यू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, और मैं करोल बाग की कोचिंग से मैंने वीडियो क्लासेस ले रखी है। करोल बाग में आप जाओ,
जितनी भी कोचिंग क्लासेस है वहाँ पे एग्जिट गेट जाके देखो, दो दो तीन तीन है। करोल बाग की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। करोल बाग को बढ़ा दोगे फिर वो भी ऐसा ही करेंगे जैसे मुखर्जी नगर में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करोल बाग में कोचिंग माफिया नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मुखर्जी नगर में कोचिंग माफिया है? ऑफकोर्स कोचिंग माफिया है। आप जाओ, बिना ब्रोकरेज के एडमिशन नहीं होते आपके, ब्रोकरेज चार हर जगह लग रहे हैं। बिल्डिंग देखिए कितनी सेफ है, जहाँ पे क्लासेस चलती हैं। नेक्स्ट IAS की वहाँ पे करोल बाग में क्लासेस देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, सेफ्टी है वहाँ। नो कंपैरिजन। आप जो है सेफ्टी दीजिए बच्चों को कि भैया आप सेफ्टी, आप माफिया मत बनिए, कोचिंग माफिया एटलीस्ट मत बनिए। यहाँ पे आपने देखा विकास दिव्य कीर्ति की मेरी भी अभी छवि थी कि बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ये हो, और उन्हीं के छात्र, मतलब ये कहिए उनसे इंस्पायर हुए छात्र दो थे, ये तो पूरी उनसे इंस्पायर ही थी, और ये उनसे इंस्पायर होकर के बिहार से यहाँ चले आए थे। आज उनके बारे में ये मुझे असलियत जो है वो सुनने को मिला है। एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने बहुत ही गंभीर पॉइंट उठाया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जाइए और उनके ट्विटर हैंडल को खंगालिए। क्या कोई भी उस आप ये कहिए कोचिंग संस्था के ऊपर अगर आपको उंगली उठाते हुए दिखता है तो आप उसको आप मान सकते हैं कि एक जिम्मेदार तरीके से अपनी जो है क्या कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।